आज की कहानी का शीर्षक है भाग्य भी बदल जाता है। एक जंगल के दोनों तरफ अलग अलग राजाओं का राज्य था। इसी जंगल में एक महात्मा भी रहते थे। दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीच एक नदी बहती थी और उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच तनाव और झगड़ा चलता रहता था। एक दिन बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ पहुँची कि कोई दोनों राजा सलाह करने के लिए राजी नहीं था, इसलिए युद्ध तय था। दोनों राजा को महात्मा से आशीर्वाद लेना था। जब पहला राजा महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने उससे कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लगती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहले तो राजा थोड़ा चुप हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे मगर हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गए तो हार को दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में लगता है। राजा तो ये सुनकर खुशी से भर गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बेफिक्र हो गया कि जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया हो। धीरे धीरे रात और दिन बीते और फिर युद्ध का दिन आ गया। दोनों राजाओं की सेना युद्ध के मैदान में जमा हो गई और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार लिखी हो परंतु हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी, जीतना तो हमें ही है तो फिर डरना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े के पैर की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया और यह सोचा कि जब जीत किस्मत में है ही तो किस बात की चिंता। परंतु कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथों में मर गया और इसकी हार हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत का लिखा भी कोशिश करने से बदल सकती है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें और आपका कोई सलाह या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रोज़ ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।